कर नाचती आपकी प्यारी अहिल्या। खिलाकर मुस्कुराती एच्छा, द्वारका बाई संग राग अलापती अहिल्या बाई। मेरे घर आई एक नन्ही परी। थैंक यू सो मच। सास बहू और बेटियां पहुंचा सोनी टीवी के सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के सेट पर, जहां हमें मिली एच्छा अपने रियल अंदाज में। और आज आप देखेंगे कि कैसे एच्छा बनती है अहिल्या, यानी कि होगा एच्छा का मेकओवर। और ये सारे नज़ारे आपके लिए कैद कर लाया है सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियाँ। हाय, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग मुझे पहचान नहीं रहे होंगे, मैं हूँ एतशा संसगिरी, अहिल्या बाई का किरदार निभाती हूँ पुण्य श्लोक अहिल्या बाई सीरियल में। लेकिन मैं एतशा से अहिल्या कैसे बनती हूँ, इसके लिए आई वॉन्ट टू शो यू गाइज मैं कैसे रेडी होती हूँ। तो चलिए फिर मेरे साथ, वी गोइंग टू माई मेकअप रूम जहाँ पे हमारा मेकअप, हेयर एंड ड्रेस होगा। सो लेट्स गो। ये मेरी मेकअप रूम है। आप, मैं जल्दी से मेरा मेकअप गाउन पहन के रेडी हो जाऊँगी सो दैट माई हेयर टीम, मेकअप टीम एंड ड्रेस टीम विल कम एंड पुट मी इन टू द कैरेक्टर ऑफ अहिल्या बाई। ये है हमारी तारा दीदी। दीदी, ये हमारी हेयर दीदी है, बहुत अच्छे से मेरा बाल बना दी है। बहुत परेशान करती हूँ मैं इन्हें, ऐसा कुछ बात नहीं नहीं लगे, वो काफ़ी अच्छे से बाल बनाती है, आप तो देखेंगे अभी ये सेगमेंट में। तो जैसे आप देख रहे हो, अभी मेरा हेयर एंड मेकअप स्टार्ट होने वाला है एंड आप हेयर दीदी से तो मिले हो। ये है किशोर दादा जो मेरा मेकअप करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग कि मैं कैसे मेकअप के बाद अहिल्या बाई लगने लग जाती हूँ। लीजिए शुरू हुआ एच्छा का मेकअप। और इनके मेकअप की शुरुआत होती है इनकी आंखों से। ऐसा आई मेकअप करने के बाद इनके अंडर आईज पर लगाया जाता है कंसीलर, ताकि इनके डार्क सर्कल्स को छुपाया जा सके। फिर लगता है चेहरे पर बेस, जिसे अच्छे से ब्लेंड किया जाता है। साथ ही होता है आंखों का टचअप और फेस की कटिंग, जिससे चेहरा और भी ज्यादा उभर कर सामने आता है। और गालों को गुलाबी करने के लिए यूज किया जाता है ब्लश। इनके मेकअप की खास बात ये है इनका लिक्विड पाउडर, जिसे एच्छा के मेकअप दादा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। थोड़े से लूज पाउडर में मिलाते हैं पानी और उसे ब्रश से मेकअप दादा एच्छा के चेहरे पर इवन तरीके से लगाते हैं। और सूखने के बाद ये मेकअप हो जाता है वाटरप्रूफ मेकअप। श्रृंगार में सब
सबसे खास बात है अहिल्या की बिंदिया, क्योंकि इन्हें बहुत ही खास तरीके से लगाया जाता है। तो अब मेरा हेयर एंड मेकअप हो गया है, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिंदी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द फेस। और ये जो है ये हरा डॉट, इसको मराठी में गोंदण ऐसे कहते हैं, गोंदण ऐसे कहते हैं होना रे। हाँ, तो इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ इंक या टैटू करते थे लोग। अभी भी आपने देखा होगा बहुत लोगों के यहाँ पे या फिर हाथ पे होता है, नहीं तो यहाँ पे होता है, तो उस किस्म का एक ये टिकली है, एंड दिस रेड लाइन इज़ कॉल्ड अ चीरी। तो अभी ये बिंदी की वजह से आपको शायद लग गया होगा कि हाँ मैं ही अहिल्या बाई हूँ। का मेकअप तो हो गया, लेकिन अब बारी है अहिल्या के रंग में रंगने की, यानी कि अहिल्या के वस्त्र पहनने की। जैसा कि आप जानते हैं अहिल्या सीरियल में नवारी साड़ी पहनती है, तो आज के लिए मेरा कॉस्ट्यूम ये ग्रीन नवारी साड़ी है। दिस इज माय फेवरेट साड़ी, सारी साड़ियों में से ये मेरी फेवरेट है, बिकॉज आई लाइक द कलर ग्रीन। एंड जैसा आप देख रहे हैं टिशू ऑर्गेन्जा की साड़ी है ये, विद लॉट ऑफ फ्लोरल डिजाइन। सो अभी मैं चेंज करती हूँ, सी यू सून आफ्टर आई गेट रेडी। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने चेंज कर लिया है, लेकिन ज्वेलरी अभी भी बाकी है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट, जिसके लिए मुझे हेल्प करेंगी अदिति, शी इज़ फ्रॉम द ड्रेस डिपार्टमेंट, छोटी सी अदिति। Let's start wearing the jewelry. अब बारी है अहिल्या के गहनों से साज श्रृंगार करने की, और देखिए कैसे एक एक करके अहिल्या अपने गहने धारण कर रही है। अहिल्या का श्रृंगार और इच्छा बन गई अहिल्या, और सीधा चल पड़ी वो सेट पर कराने अपना फोटोशूट। अहिल्या ने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जो होती है ये बुगड़ी है, ओके दिस इज़ लाइक यहाँ पे, एंड देन ऑफ कोर्स ये इयररिंग्स और विथ वेल, इसको वेल कहते हैं, एंड देन इसके बाद दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वन इज़ कॉल्ड अ ठुशी, देन ये एक मंगलसूत्र है, ये भी इसको पोड़ा बोलते हैं, बट इट्स ऑल्सो रिजेंबलिंग अ मैरिड वूमन। ये तो एक बहुत प्रिटी हार है, एंड देन अगेन वन मोर मंगलसूत्र विथ कंबर पट्टा, देन बैंगल्स, दिस इज़ हाथ का एक पीस है विथ रिंग्स या एंड नथनी। बहुत खास होती है, एंड स्पेशली जितनी बड़ी नथनी होती है उतनी वो सुंदर मानी जाती है। सो मेरी उतनी बड़ी नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी क्यूट थिंग आई फील, एंड इट्स गॉट अ स्क्रू ओवर हियर, सो इट्स वेरी कम्फर्टेबल ऑल्सो बिकॉज आई डोंट हैव अ पियर्सिंग, तो अच्छी है, एंड आई पर्सनली लाइक वेयरिंग अ नोज पिन। मेरा पियर्सिंग नहीं होगा तो भी मैं हमेशा चाहती हूँ कि यू नो इट ब्रिंग्स आउट दैट आई डोंट नो, काफ़ी अच्छा लगता है हर और हर किसी के हर एक फेस पे वो अच्छी दिखती है नथनी।
वैसे आपको बता दे, इच्छा का हिंदी सीरियल में ये डेब्यू शो है। इससे पहले वो मराठी शोज में नजर आ चुकी है। वैसे अपने इस शो के लिए इच्छा बेहद एक्साइटेड है। और आपको बता दे कि इन्होंने पहले भी इस शो के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब इच्छा हाजिर है अहिल्या के रूप में।